So as today date is 25, na? Today is Tuesday, na? So today we will do पहले आपने बिल्कुल समझना है फिर मैं आपको लिखवाऊंगी कि किस लैंग्वेज में है मस्कुलर सिस्टम मस्कुलर सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ मसल मसल क्या है मसल इज ए टिश्यू विच इज कंपोज्ड ऑफ many muscle fibers so muscle fiber kya hai muscle fiber is a cell each muscle fiber it bound by a membrane jaise har cell ke paas hoti hai Likewise, it has a membrane, plasma membrane too. Then, has cytoplasm, which is also called as sarcoplasm. Okay? Because study of muscle is called as sarcology or myology. तो इसलिए cytoplasm is sarcoplasm has sarcoplasmic reticulum. It is another name of ER in muscles. Then, sarcoplasmic reticulum. It is a reserve house of calcium. In muscle fibers. मसल फाइबर्स में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट स्टोर्स कैल्शियम देन हैज माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस विच गिव्स एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन ठीक है उसके बाद हैज मेनी कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स जो छोटे बड़े रिजिड नहीं है इलास्टिक है छोटे हो सकते हैं फिर रिलैक्स हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं रिलैक्स हो सकते हैं कॉल्ड एज myofibrils which provides contractility to muscle fibers मतलब muscle cells जो है वो एक मसल सेल है उसके अंदर फाइबर्स है जब वो फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल सेल भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ठीक है तो ये फाइबर्स है कॉल्ड एज मायोफिब्रिल्स रिजर्व फूड
in muscle fibers is glycogen. Is it right? Then has one or more than one nuclei. They may be branched or unbranched. Nucleus नहीं, muscle fiber. ठीक है, muscle fiber जो है हम muscle cell के बारे में, हम muscle fiber के बारे में बात करें. ठीक है, they may be branched or unbranched. तो पहले अगर हम बात करें कि properties of muscular tissue. सबसे पहले है एक्साइटेबिलिटी. एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब है? दैट इज रिसीव और जनरेट एन इलेक्ट्रिक इंपल्स. आपको पता है कि जो हमारे लिम्ब्स है, इसमें जो मसल्स है, दे रिसीव द इंपल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. वेयरएज कार्डियक मसल फाइबर्स हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया था, दे जनरेट द इलेक्ट्रिक इंपल्स देमसेल्व्स. राइट और नॉट? ठीक है, उसके बाद है कंडक्टिबिलिटी, दैट इज they can conduct the electrical impulse from one part to another part of muscle fiber. एक जगह impulse आई तो पूरे muscle fiber में वो उसकी conduction होगी. That is conductibility. And third is contractility. ठीक है, तीन main properties है muscular tissue की, excitability, conductibility एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी. इज इट ओके? ठीक है, लिखो फिर ये पहले. सो फर्स्ट क्या लिखोगे? मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम में लिखिए मसल इज ए टिश्यू. मसल इज ए टिश्यू विच इज कंपोज्ड ऑफ, विच इज कंपोज्ड ऑफ many muscle fibers, many muscle fibers. Second आ जाइए, study of muscle is called as, study of muscle is called as sarcology ya myology. Sarcology ya fir myology. Next point aa jaiye, properties of the muscular tissue. Properties of the muscular tissue. फर्स्ट है एक्साइटेबिलिटी, लिख लो ये.
ये दो प्रॉपर्टीज हैं। कि एक्साइटेबिलिटी आपको पता चल गया, कंडक्टिबिलिटी पता चल गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होंगे या एक्सपैंड होंगे, और इस दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड की प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे, इलास्टिक है ये, यस और नो, ठीक है ना। सो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। हो गया बेटा, नवराज हो गया, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। हो गया बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। 40-50% ऑफ अवर बॉडी वेट, नेक्स्ट पॉइंट है, 40-50% ऑफ अवर बॉडी वेट इज ड्यू टू मसल्स। Is due to muscles. Next, आ जाइए। Muscle fibers are arranged in bundles. Muscle fibers are arranged in bundles to form fascicles, fascicles, to form fascicles. Each fascicle ya each muscle kijiye, each muscle has many fascicles. Each muscle has many fascicles. अगर आप एक मसल लेंगे, है ना, लेट अस से दिस इज अ मसल, और अगर हम इसको ऊपर से काटेंगे और अगर अंदर देखेंगे तो आपको क्या वो बंडल से नजर आएंगे, यस और नो, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, ठीक है। तो ये जो बंडल्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर फेसिकल्स। और हर फेसिकल में ये फेसिकल, ये फेसिकल, ये फेसिकल, और इसके बीच में क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। और यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ कि भी ये कैसे मसल फाइबर्स है, इस तरह के, तो ये हमने एक्सटेंड करके दिखाए हैं, बस ये मसल फाइबर।
जैसे हमने ये मसल फाइबर्स बाहर को खींच लिए. इस तरह से हमें ये मसल फाइबर नजर आ रहे हैं. ठीक है कि नहीं? आप इसको थोड़ा सा नीचे तक भी ले जा सकते हैं, लंबे लंबे से. ठीक है, लेट अस से ये एक फेसिकल है ना मसल फाइबर्स का. ठीक है, उसके बाद ये दूसरा फेसिकल है मसल फाइबर का. यू गेट मी? ये एक फेसिकल है, ये दूसरा फेसिकल है, और ये पूरा लेट अस से देखिए आपको नजर आ रहा है, एक ये फेसिकल है. ठीक है, और अगर हम इसको, मेरा मतलब सारे एक जैसे तो नहीं है, बट मैं आई विल ट्राई कि ये दूसरा फेसिकल है. ठीक है, ऐसे बंडल्स है, और इसके बाहर ये पूरा, ये पूरी मेम्ब्रेन है जो क्या बना रही है, एक पूरा मसल बना रही है. ये एक मसल फाइबर है. ठीक है, ये एक सेल है, इस सेल ने एक बंडल बना दिया. ठीक है, लेट अस से ये एक सेल है, इसने एक बंडल, ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर्स ने बंडल बना दिया जिसे फेसिकल्स कह दिया, और उन सब फेसिकल्स को फिर इकट्ठा एक मेम्ब्रेन से बाउंड कर दिया जिसको हमने मसल कह दिया. यस और नो? ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखेंगे तो हमें और क्या नजर आएगा? अगर हम इसको यहां से काट के एक स्लाइस देखें तो हमें इस तरह से नजर आएगा. दिस इज एक मसल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू शीट है. It is composed of these are vesicles. This is also connective tissue sheath of fascicle. और अंदर ये क्या है? ये muscle fibers. ठीक है, this is a muscle fiber. और बाहर जो है ये ब्लड वेसल्स होती है, इसके कनेक्टिव टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है. सो दिस इज कनेक्टिव टिश्यू विद ब्लड वेसल्स. आप मेरे से पूछते जाना अगर आपको कोई एब्रीविएशन से समझना है. ठीक है, बोलो फटाफट से. ये बाद में लिखते हैं, पहले हम मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं. तो इसके नीचे लिखना है क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मसल. दिस इज टीएस ऑफ मसल. ऊपर है क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ मसल.
ठीक है जी, करें आगे। ये जो कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ मसल है, दिस इज पेरिमाइसियम। कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ मसल इज कॉल्ड एज पेरी नहीं बेटा एपिकल, आई एम सॉरी, दिस इज एपिमाइसियम, ईपीआई। Connective tissue sheath of fascicle. This is perimysium. This is endomysium. Connective tissue sheath of muscle fiber. Connective tissue sheath of muscle is epimysium, of fascicle perimysium, of muscle fiber endomysium. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। हो गया बेटा, मसल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मायोसाइट्स, MYOCYTES। मसल सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मायोसाइट्स। Which are formed by myoblasts. जैसे हमने bones का किया था osteoblast and osteocytes, याद है जशन का हमने किया था, इसी तरह myoblast जो है वो क्या बनाते हैं, myocytes बनाते हैं। myocytes are the muscle cells which are formed by myoblasts. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू। टिश्यू की अभी हम बात कर रहे हैं, मसल की बात कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मूवमेंट, फर्स्ट है मूवमेंट्स, सेकंड है पोस्चर ऑफ अवर बॉडी, पोस्चर ऑफ अवर बॉडी according to the environment, according to the environment. Next is heartbeat, next is heartbeat. Next is digestion and movement of digested food, digestion and movement of digested food. Next है flow of blood in blood vessels, flow of blood in blood vessels. Next है facial expressions, facial expressions. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक और मसल नहीं आ जाइए। मसल कंसिस्ट्स ऑफ
Muscle consists of many muscle fibers. Many muscle fibers arranged parallel. Arranged parallel to each other. Which contract and extend? Which contract and extend in coordinated fashion? In coordinated fashion. Which helps in movements of different part of the body. बेटे जैसे ये मसल्स है, जब हमने बाजू एक बार फोल्ड की तो ये वाला बंडल था, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है? फिर हमने रिलैक्स कर ली, फिर हमने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट की, तो हो सकता है ये वाले बंडल फाइबर्स, मसल फाइबर्स ना कॉन्ट्रैक्ट करें, ये कर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमने पहले इतनी सी कॉन्ट्रैक्ट की तो कुछ मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर हमने थोड़ी सी ज्यादा की तो और थोड़े से मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर हमने इतनी कर ली तो हो सकता है पूरे के पूरे सारे के सारे मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। एक मसल फाइबर जो है इतना है, ठीक है? जब एक फाइबर की अगर हम बात कर रहे हैं, ये इतना है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो इतना हुआ, समझ आई? फिर रिलैक्स होके इतना हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो इतना हुआ। ये नहीं कि थोड़ा सा स्टिमुलस मिला है तो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ज्यादा स्टिमुलस मिला है तो इतना कर। एक मसल फाइबर जो है, एक जो है, आप एक काम ही कर सकते हो कि भाई एक इंसान की कैपेसिटी 6 घंटे है काम करने की, एक लेबर के काम है। अब एक बिल्डिंग में काम ज्यादा है तो क्या होगा, एक की कैपेसिटी तो 6 घंटे ही काम करने की है, बट काम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा क्या है, मैन पावर। इस जैसे ही यही लाइकवाइज दिस, पता क्या, नेचर और हमारी बॉडी है ना, जो हम काम करते हैं, अगर आप नेचर से अपनी बॉडी के अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी ध्यान से देखें, काम करें, तो हम देखते हैं कि हम वही रूल्स, जो रूल्स हमारी बॉडी में चल रही है ना, वही रूल्स ही हम बाहर काम करवा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मसल ने थोड़ा काम करना है तो थोड़े से लोग काम करेंगे, अगर सेम टाइम में ज्यादा काम करना है तो नंबर ऑफ लेबरर ज्यादा काम करेंगे, यस और नो? एक का काम तो इतना सा ही है, वो इतना नहीं कर सकता, वो इतना ही करेगा, ना वो कम करता है ना वो ज्यादा करता है, बट इट वर्क्स दिस मच ओनली। अ पर्सन कैन वर्क फॉर 6 आवर्स, नाइदर लेस देन 6 आवर्स नॉर मोर देन 6 आवर्स। इफ देयर इज मोर वर्क then more people have to be employed for working for 6 hours. Likewise, a muscle fiber, if it contracts fully. अगर एक muscle fiber है, अगर उसने contract करना है तो हमेशा इतना contract करेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, इतना ही contract हो। But एक organ की ये जो है, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इसकी तो contraction folding vary कर रही है, मसल तो सेम ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बाइसेप ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट कॉन्ट्रैक्शन वेरी कर रही है, थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन है, ज्यादा है ज्यादा, इसका क्या मतलब है? क्योंकि जो ये बाइसेप्स मसल है, ये बहुत सारे मसल फाइबर्स के बने हैं। लेट अस से हम ये कहते हैं ये 100 मसल फाइबर्स है, वैसे इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट लेट अस से जब हमने इतनी बाजू की तो ओनली 20 मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्ट, जब हमने इतनी की तो 30-35 मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, और जब हमने यहां तक ले आए तो हो सकता है ऑल द 100 मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। इज इट ओके? ये चीज समझ में आई कि एक मसल फाइबर एक पर्टिकुलर अमाउंट ही वर्क करता है,
अगर ज्यादा काम चाहिए तो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स डूइंग वर्क विल इंक्रीज, कम काम चाहिए तो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स डूइंग वर्क गेट्स डिक्रीज्ड. इज इट राइट? ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट. मसल फाइबर, अब आ जाइए मसल फाइबर, ऊपर टॉपिक लिखो मसल फाइबर, उसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए. मसल फाइबर और मसल सेल या मायोसाइट बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, ये लिख लो फटाफट से. हाँ, एंडोमाइसिन, ये सार्कुलेमा, अभी मैं बताऊंगी. एंडोमाइसिन तो एक शीथ हो गई, बाउंडेड बाय ये मेम्ब्रेन, अभी तो मेम्ब्रेन है, शीथ नहीं, शीथ अलग, मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा. हरमन बेटा, आपकी क्लास में से कितने बच्चों का एमटीएससी क्लियर हुआ था? 4 स्टूडेंट्स का. आप इसी स्कूल से ही हो ना, दशमेश से ही हो? नो, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? कोटकपूरा से. कोटकपूरा में कौन सा कॉन्वेंट है? अच्छा, मुझे नहीं, कोटकपूरा में एक तो डीएवी, मुझे पता है कि डीएवी स्कूल है ना, एक दशमेश का ही स्कूल है. ओके ओके, सो देयर यू स्टडीड एंड 4 स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल हैव क्लियर्ड एनटीएससी, राइट? एंड प्रभजोत, आप यहीं के, इसी स्कूल के हो? आपकी क्लास में से कितने, पता है कितने हुए एनटीएससी में? तीन बच्चे, दो जनरल, ठीक है. अच्छा, 3 फ्रॉम कैटेगरी एंड 1 फ्रॉम जनरल. यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा वहां पे, मतलब मेरे ख्याल से बैकवर्ड एरिया भी आ जाता है ना, क्या बोल देते हैं, बहुत सारे विलेजेस बैकवर्ड एरिया भी आ जाते हैं ना. अच्छा, किया ये? ठीक है बेटा, करें आगे, हो गया? ये वाला रब कर तू, मैं
So next आ जाता है बेटा टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स. अगर अब हम बात कर रहे हैं मसल फाइबर्स की, टाइप ऑफ मसल फाइबर्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, फंक्शन या पोजीशन. या पोजीशन ही हम बात करें, स्ट्रक्चर पोजीशन एंड मोड ऑफ एक्शन. देयर आर थ्री टाइप ऑफ मसल फाइबर्स. स्ट्रक्चर हम बात करें तो स्ट्राइएटेड स्मूथ एंड कार्डियक का तो हम कार्डियक ही बोलते हैं, बस इसका तो एक ही नाम है कार्डियक मसल फाइबर्स बेस्ड ऑन पोजीशन. ये स्ट्रक्चर के बेस पे स्ट्राइएटेड एंड स्मूथ. उसके बाद पोजीशन के बेस पे स्केलेटन और स्मूथ है विसरल. स्केलेटन क्योंकि दीज आर अटैच्ड विद बोन्स. उसके बाद है मोड ऑफ एक्शन, दीज आर वॉलंटरी, दीज आर इनवॉलंटरी एंड दीज आर ऑल्सो इनवॉलंटरी. ठीक है, तीन कॉलम्स बनाओ, तीनों के डिफरेंसेस पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. ये देखिए ये देखिए ये स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स है, आपने 9th-10th में भी किया. बंडल्स में प्रेजेंट है, अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. यहां पे देखिए ये थोड़ा सा, अगर आपके पास अलग सा पेन है इसको थोड़ा सा थिक करो इनकी वॉल्स को. देन इट हैज, यहां पे आपको क्या दिखेगा, थिक बैंड्स थिन बैंड्स, थिक थिन स्ट्राइएशंस नजर आएंगी. ये भी हम करेंगे डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स. सो दे हैव थिक एंड थिन बैंड्स, दीज आर स्ट्राइएशंस, स्ट्राइप्स है. और आप देख रहे हो दीज आर अनब्रांच्ड, एंड दे हैव ब्लंट एंड्स. ठीक है, और इनमें बेटा कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ये करके एट सम पॉइंट्स दे आर जॉइंड विद ईच अदर, ताकि एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहे. देखिए
ये एक दूसरे से ज्वाइंट है। ठीक है ना, एक दूसरे से कहीं ना कहीं इनमें जंक्शंस है, विच हेल्प्स इन ज्वाइनिंग, विच हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग बिटवीन मसल फाइबर्स, राइट? दीज आर स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स। उसके बाद आ जाते हैं बेटा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, अभी डायग्राम बना लो, अभी बात की जरूरत है। उसके बाद these are uninucleated, these are smooth muscle fibers। ठीक है, और आप इनके ends देख रहे हैं, these are there are tapering ends, unbranched है। ये हम कार्डियक मसल फाइबर्स है, दीज आर ब्रांच्ड। These are cardiac muscle fibers. And they have poorly developed striations. इस तरह से देयर आर प्रेजेंट पुअरली डेवलप्ड स्ट्राइएशंस एंड यूनिन्यूक्लिएटेड है।
junction between. Adjacent cells. This is nucleus. These are striations. ठीक है बना लिया कि नहीं तो पहले आ जाइए हाँ जी बेटा इनको बेटा जो एक मिनट हाँ बोलो स्ट्राइएशन मीन स्ट्राइप्स जो है ब्लैक एंड व्हाइट जो स्ट्राइप्स है इनको स्ट्राइएशंस कह देते हैं जो डार्क बैंड्स है ये देखो ये जो है ये वी जैसे यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग स्ट्राइएशंस है स्ट्राइप्स है ना स्ट्राइएशंस मतलब स्ट्राइप्स जो है अभी बताऊंगी अभी हम बताएंगे फंक्शन तो नहीं बट हम ये कह सकते हैं इनका एक क्योंकि इन्होंने एक पर्टिकुलर वे में कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इनमें जो मायोफिब्रिल्स है उनका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट आई विल टेल यू अभी हम डिटेलिंग करेंगे जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर कैलेटेड डिस्क ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर कैलेटेड डिस्क और ये क्या है ओब्लीक ब्रिजेस देयर आर प्रेजेंट ओब्लीक ब्रिजेस जो लेटरल ब्रांचेस होती है उनको बोलते हैं ओब्लीक ब्रिजेस ठीक है जी करें इनके बारे में तो स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स में सराउंडेड बाय सार्कोलेमा सराउंडेड बाय sarcolemma which is surrounded by sarcolemma which is plasma membrane excuse me which is plasma membrane along with connective tissue sheath along with connective tissue sheath जैसे मैं थोड़ा सा बना दूं, ये है ये सार्कोलेमा है सॉरी ये मैंने क्या बताया सार्कोलेमा हैज मेम्ब्रेन अलोंग विद कनेक्टिव टिश्यू शीट सो दिस टू फॉर्म्स सार्कोलेमा अंदर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर कनेक्टिव टिश्यू शीट है यस और नो हाँ बेटा जो मेम्ब्रेन है वो बनी हुई है केमिकल्स की ठीक है फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है कनेक्टिव टिश्यू शीट इसमें सेल्स और फाइबर्स है टिश्यू तो पता है टिश्यू इज लिविंग जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है सिंपल मेम्ब्रेनस है फॉर्म्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है ठीक है स्मूथ मसल फाइबर्स में आ जाइए कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन but no sarcolemma covered by
plasma membrane, but no sarcolemmas. Cardiac muscle fibers, sarcolemma present. Sarcolemma present. नहीं सार्कोलेमा दोनों को कह देते हैं अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर कनेक्टिव टिश्यू शीट उसके बाद दे हैव स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स में लिखना है दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड्स स्मूथ में no light and dark bands no light and dark bands aur cardiac mein weakly developed light and dark bands weakly developed light and dark bands Striated muscle fibers have blunt ends. ये आप देख रहे हैं, these are blunt ends. They have blunt ends. Smooth muscle fibers में tapering ends. Cardiac muscle fibers again blunt ends. Striated में syncytial, S-Y-N, S-Y-N, C-Y-T-I-A-L, syncytial या multinucleated muscle fibers, syncytial या फिर multinucleated muscle fibers. बाकी दोनों में लिखना यूनिन्यूक्लिएटेड बाकी दोनों में यूनिन्यूक्लिएटेड नेक्स्ट आ जाइए स्ट्राइटेड अनब्रांच्ड अनब्रांच्ड फिर स्मूथ भी अनब्रांच्ड कार्डियक ब्रांच्ड फिर स्ट्राइटेड में आर फ्यूज्ड एट सर्टेन पॉइंट्स आर फ्यूज्ड At certain points and are arranged closely in parallel fashion. Smooth mein likhiye cell junctions. Cell junctions hold them together. Cell junctions Cell junctions hold them together, which are further covered by a connective tissue sheath. Cell junctions hold them together, which are bundled together by a connective tissue sheath. और फिर कार्डियक मसल फाइबर्स में
cell junctions fuses the plasma membrane of plasma membranes of cardiac muscle fibers. यहाँ भी cell junction, smooth में भी cell junctions है, cardiac में भी. फिर full stop करके intercalated discs are the specialized regions of the membrane between adjacent cells. Which function as boosters, मतलब जो quick काम करे, which functions as boosters to conduct the wave of contraction. Transmit या conduct the wave of contraction. ठीक है, और इसी पॉइंट में ही लिख लो कार्डियक मसल फाइबर्स में. कार्डियक मसल फाइबर्स हैव सम लेटरल ब्रांचेस called as oblique bridges. Some lateral branches called as oblique bridges, which forms interconnected network. Bridges है ना, दो सड़कों को जोड़ रहे हैं ताकि जल्दी से, which form interconnected network. Next आ जाइए. Striated muscle fibers are connected with bones, skeleton. तभी हम इनको क्या बोलते हैं, Striated muscle fibers are connected with skeletal bones, thus helps in locomotion. Smooth muscle fibers forms the internal lining of visceral organs. Such as stomach, intestine, urinary bladder, blood vessels, etc. और जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं, दे फॉर्म वॉल ऑफ द हार्ट, वीना कावा एंड एओर्टा. कार्डियक मसल फाइबर्स जो है, दे आर फाउंड इन हार्ट, वीना कावा एंड एओर्टा. स्केलेटल मसल्स, बेटा हमारे ब्रेन में दो पार्ट है, एक तो वॉलंटरी पार्ट है जो वॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, दूसरा ऑटोनॉमिक पार्ट है. ऑटोनॉमिक मीन्स जो सेल्फ कंट्रोल, जो हमारी विल से नहीं कंट्रोल होता. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स, these are regulated by voluntary control of nervous system.
स्मूथ मसल फाइबर्स में रेगुलेटेड बाय द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम. स्मूथ मसल फाइबर्स इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम. And cardiac muscle fibers, they are involuntary but are not directly controlled by nervous system. याद है आपको, क्योंकि इनकी wave of contraction जो है वो auto stimulatory है. Cardiac muscle fibers, these are involuntary but are not under direct control of nervous system. ठीक है, ये डायग्राम बना लिए बेटा आपने. तो हमने अभी बात स्पेसिफिकली क्या करनी है, हमने करनी है स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स के बारे में. देखो जो ये एक स्ट्राइएटेड मसल फाइबर है जिसमें डार्क बैंड लाइट बैंड ये दिख रही है, इस तरह से ये दिख रही है. और थोड़ा सा इसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा और देखेंगे. इधर देखो बेटा, पेन छोड़ दो, इसको थोड़ा सा और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे. तो हमें क्या नजर आएगा, दिस इज ए बैंड, डार्क बैंड या फिर ए बैंड. ये एक स्ट्राइएशन है. This is again A band, एक A band है, ये एक A band है, dark band है, जो हमें नजर आ रहा है, एक dark line, ये वाली line जो है, ये हमें यहां से लेके यहां तक नजर आ रही है. फिर एक डार्क बैंड, ये पूरा एंड दिस वन इज, ये जो है यहां से लेके यहां तक, दिस इज आई बैंड लाइट बैंड. ये जो है ये इनके बीच में बेटा, डार्क लाइट बैंड के बीच में यहां पे देयर इज प्रेजेंट ए डार्क लाइन. दिस इज कॉल्ड एज जेड लाइन. और इसी तरह से डार्क बैंड के बीचों बीच एक और लाइन है,
It is called as M-line. जो ये वाला पोर्शन है डार्क बैंड के पीछे जो लाइट पोर्शन है दिख रहा है कि नहीं ये पूरा डार्क बैंड है yes. इसमें जो लाइट बैंड है मतलब लाइट पोर्शन है या लाइट जोन है दिस इज कॉल्ड एज एच जोन हमें इसमें एच जोन कहीं नजर नहीं आ रहा इसमें तो हमें सिर्फ ये बैंड्स नजर आते बट दिस इज एच जोन ठीक है अगर हम इसको थोड़ा सा और अल्ट्रास्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है आप पहले तो ये Z लाइन बनाओ इधर भी और इधर ठीक है इसके बीच में क्या प्रेजेंट है ये देख लेता ये मायोफिलामेंट्स हैं हर मसल फाइबर में क्या प्रेजेंट है प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं दिस इज मायोफिलामेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करते हैं बेटा एक ना शुरू में देखो जब मैंने मसल फाइबर का स्ट्रक्चर लिखवाया जरा देखो जरा कॉपी निकाली सी नहीं शुरू में जब मसल फाइबर का स्ट्रक्चर लिखवाया मस्कुलर टिश्यू के आगे मसल फाइबर हैज कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स मत कर ले यहाँ पे लिखो थर्ड पॉइंट हैज कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स कॉल्ड एज मायोफिलामेंट्स कर एवरीबडी has contractile filaments called as myofilaments jahan pe myofibrils likha hai na wo mat karo myofilaments karo theek hai to ye kya hai this is thick myofilament अब ये देखिए ये Z लाइन से आप क्या देख रहे हो थिन मायोफिलामेंट जुड़ा हुआ ये थिन है यस और नो
इस तरह ही ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। ये समझ में आया? ये देख रहे हो आप? ठीक है, फोन छोड़ दो, फोन छोड़ दो। और इधर ये बीच में, इनके बीच में there is an M line. ठीक है, ये है thick myofilament, this is thin myofilament, ये है Z लाइन, ये है M लाइन, यहां से लेकर यहां तक पूरा जो थिक मायोफिलामेंट की लेंथ है, this is called as A band. उसके बाद यहां देखो, यहां से लेकर जहां तक नेक्स्ट थिक मायोफिलामेंट ना शुरू हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज आई बैंड। ये जो ए बैंड के बीच में ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज एच जोन। दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, लिख लें पहले हम, फिर ये बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखो स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइएटेड मसल फाइबर। ठीक है, तो यहां पे लिखो कि ईच ईच मसल फाइबर, ईच मसल फाइबर हैज सार्कोप्लाज्म। हम स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स की बात कर रहे हैं, हैज सार्कोप्लाज्म एंड and parallel arranged filaments called as myofilaments or myofibrils or
myofibrils. There are two types of myofilaments. Thick myofilament and thin myofilament. Thick myofilament and thin myofilament. Next point here. Thick myofilament has myosin protein, MYOSIN, myosin protein, and forms A band, or an isotropic band. Or dark band. A-N-I-S-O-T-R-O-P-I-C. An isotropic band. Or dark band. It has dark band mein kya hai? It has some part overlapping with thin myofilaments. And some part non-overlapping. Full stop karke. The non-overlapping part of A band is called as H zone or Henson zone. H-E-N-S-O-N. Henson zone. In the center of the Henson zone is present a thin fibrous sheath called as M-line. M-line ki full form kya beta? Mittal Schiebe. M-I-T-T-L-E-S-C-H-E-I-B-E. Mittal Schiebe line. Next one likhiye. The non-overlapping parts of thin myofilaments form I band.
It consists of two halves of two thin filaments. देखो बेटा, ये देखो. Everybody here. ये thin, ये eye band है. ये इस fiber का आधा है और इस fiber का भी आधा जो है वो eye band है. Right or not? दो myofilaments के part आए हैं. It consists of two thin myofilaments. In the center of the eye band is present in the center of the eye band is present Z line. Which is formed of elastic fibers. It is zigzag. With which? With which thin myofilaments are attached. Z line का दूसरा नाम क्या है? Z line is also called as Zwyer-Schiebe line. Zwyer-Schiebe line. ठीक है जी. Next one कर लीजिए. नहीं, next नहीं, इसी point में लिखिए. Eye band is also called as isotropic या light band. Eye band is also called as isotropic or light band. The region between two adjacent Z lines. is called as sarcomere. Which is the smallest unit of contraction? Smallest unit of contraction. ठीक है, ये सार्कोमियर है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन का. अभी पहले बेटा इसकी एक काम करो, एक फोटो खींचो. पहले मैं तुम्हें समझाऊंगी, फिर बनाना आराम से. है नहीं तो आपको जशनप्रीत यहीं से फोटो भेज देगा. फोन है हरमन आपके पास? है फोन? ठीक है. चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ. कि why it is called as sarcomere is called as unit of contraction. तो बेटा जब ये contract होता है,
मैं तुम्हें बस थोड़ा सा बना के दिखाऊंगी। इस थिक मायोफिलामेंट की लेंथ उतनी ही रही, कोई चेंज नहीं हुआ। इसके बीच में एम लाइन है, थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया यहाँ। दिस इज एम लाइन। उसके बाद जो जेड लाइन्स है, पहले यहां है, ये कहां पे आ गई? ये यहां पे आ गई। ये यहां पे आ गई। जो थिन मायोफिलामेंट्स थे, जो थिन मायोफिलामेंट्स थे, उनकी लेंथ नहीं चेंज हुई, लेंथ उतनी ही है, बट दे कम क्लोजर टू ईच अदर सो दैट जेड जोन जो है वो छोटा हो गया। Now this is H zone. I'm sorry, Z zone ही H zone. पहले H zone कितना था? पहले इतना था H zone. और अब कितना रह गया? सिर्फ इतना. तो during contraction अब क्या हुआ बेटा? जो sarcomere था, ये वाला sarcomere, ये छोटा हो गया. है ना? ऐसे different sarcomeres वो छोटे होते जाएंगे. Length of the thick myofilament, thin myofilament, it does not changes. What decreases? कहाँ से पता चलता है कि अब sarcomere छोटा हो गया? H zone जो है वो contract कर जाए. Is it okay? ठीक है. तो लिखो जरा. During contraction of the muscle fiber, इसी में ही. During contraction of the muscle fibers. There is no change. There is no change in the length of myofilaments. There is no change in the length of myofilaments. But Z lines come closer to each other. Z lines come closer to each other. Full stop करके the thin filaments slide past each other. The thin filaments slide past each other due to which H zone shortens. H zone shortens and sometimes disappear. Although जो thin filaments है वो तो move कर रहे हैं, although there is no movement of thick myofilament. ठीक है.
नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, ऑल और नन प्रिंसिपल, ऑल और नन प्रिंसिपल. The muscle fiber, if contract, the muscle fiber if receive, ऐसे लिखो, the muscle fiber if receive sufficient stimulus, comma, then it will contract completely. Then it will contract completely. मतलब अगर उन्हें stimulus मिल गई तो वो पूरा contract करेंगे, ठीक है? If they receive sub threshold stimulus, comma, they will not contract at all. वो बिल्कुल contract नहीं होंगे. अगर contraction होगी तो पूरी होगी, अगर stimulus कम मिला है तो वो बिल्कुल contract नहीं होगी. Full stop करके, therefore the contraction of muscle fiber is non-variable. वो change नहीं हो सकती, होगी तो पूरी होगी, नहीं तो नहीं होगी. Contraction of muscle fiber is non-variable. Whereas contraction of muscle varies. मसल तो वेरी करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स वेरी, VARY. कैसे? दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, दिस इज बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल depends on the number of muscle fibers contracting at the same time. More the number of muscle fibers contracting at the same time, comma, more will be the contraction of muscle fiber. More will be the. अगर हम अगेन मैं बता रही हूं कि अगर हमने थोड़ी सी बाजू उठाई तो इसका मतलब 5-7 मसल फाइबर्स ही कॉन्ट्रैक्ट करे, थोड़ी सी ज्यादा 20 मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, इतना 50 मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, इतना 100 मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग. इज इट ओके? ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, मोटर एंड प्लेट. नेक्स्ट इज, बस 5-7 मिनट हम और करेंगे, फिर थक गए हो ना, लिखते लिखते थक जाते हैं बच्चे बायो. मोटर एंड प्लेट का क्या मतलब है बेटा? एंड, ENDE, MOTOR, मोटर, ENDE, एंड प्लेट. इट इज डिफाइंड एज the bundle of muscle fibers
which is supplied by the same nerve fiber, which is supplied by the same, इसको लिखना है same nerve fiber. This is motor unit, motor and plate नहीं, motor unit का. This is motor unit. Motor and plate अभी बताती हूँ. Motor unit. यहाँ से बेटा nerve fiber आ रहा है. Nerve fiber आपको पता है myelin sheath है. This is axon या nerve fiber. इसकी यहां पे आके different branches है and it is supplying to ये मसल फाइबर है. दिस इज मसल फाइबर. ये मसल फाइबर है. These are all muscle fibers. But ये bundle of muscle fibers and the nerve fiber which supply to these muscle fibers. It is called as motor unit. This is one motor unit. Motor unit करो, heading करो, motor unit. Motor end plate नहीं, motor unit. The bundle of muscle fibers and the nerve fiber which supply to them. जो भी लिखवाया ऊपर ठीक है, बस उसका टॉपिक है मोटर यूनिट. उसके बाद आ जाइए मोटर एंड प्लेट. नवराज बेटा सीधे सीधे सो जाएगा ऐसे तो. The membrane of muscle fiber which receives the nerve impulse is called as motor end plate. The membrane of muscle fiber which receives the nerve impulse is called as motor end plate. उसके बाद है threshold stimulus. Threshold stimulus.
the minimum stimulus, the minimum, non-medical वाले आगे बेटा के नहीं अभी आगे, the minimum stimulus which is required for the contraction of a muscle fiber, for the contraction of a muscle fiber is called as threshold stimulus. और फिर एक आ जाता है टेटनस, टेटनस, टेटनस एक तो डिजीज हो जाता है राइट, एक टेटनस है, इट इज द स्टेट ऑफ, इट इज द स्टेट ऑफ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन. बेटा रात को आप सोते हो क्या आपकी बॉडी लिंप कर जाती है, क्या आप टेढ़े मेढ़े से हो जाते हो, ऐसा तो नहीं होता, आपकी बॉडी की एक शेप तो रहती है ना प्रॉपर, क्योंकि जो हमारे बैक के मसल्स है दे शो टेटनस, दे आर अंडर सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ये मैं समझाऊंगी, अभी आप थक चुके हो तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. जब हम दोबारा मिलते हैं कल तो ये मैं आपको बताती हूँ. अच्छा जी, अब थोड़ा सा मैं एक मिनट सर मैं बताती हूँ.